और बात करते हैं एक्सटेंशन की। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिले एक साल के एक्सटेंशन के बाद अब सभी की नजरें राजस्थान पर टिकी है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को भी 2023 चुनाव तक एक्सटेंशन मिलेगा। 23 तारीख को जेपी नड्डा राजस्थान आ रहे हैं, तो क्या नड्डा राजस्थान में आकर राजस्थान में बदलाव के संकेत साफ कर जाएंगे या फिर साफ कर जाएंगे कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं चुनाव पर ध्यान दीजिए। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का वो संदेश जिसमें कहा गया कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि सरकार आ रही है। राजनीति के जानकार इस बयान को राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जोड़कर देख रहे हैं कि यहां बीजेपी नेता अगर ये सोच रहे हैं कि हम आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही दिग्विजय की सरकार रिपीट हो गई थी। अब सवाल यह है कि क्या पूनिया को विस्तार मिलता है? अगर मिलता है तो इसके नफा नुकसान क्या हो सकते हैं, और अगर पूनिया की जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष लाया जाता है तो फिर वो नाम कौन सा हो सकता है और उसके नफा नुकसान क्या होंगे? बात एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हो गया या नहीं है, लेकिन यह सच है कि इससे टेंशन जरूर बढ़ा दी। इसका प्रदेश बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मनीष पारीख जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। मनीष जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि आपकी पार्टी का मामला एक्सटेंशन दे या ना दे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या यह संदेश साफ हो चुका है कि पूनिया जी रहेंगे या कोई और आएगा? नहीं, अभी ये बात तो विजेंद्र उस दिन ही पता चलेगा। बड़ी बात यह है कि जो वैसे भी समय समय पे कार्यकाल बढ़ाने की बात होती रहती है, इस बार भी हो सकता है, लोगों को लगता ही है ये। लेकिन सही बात इनमें यह है कि फैसला पार्टी का जो नेतृत्व है वो करेगा। माननीय मोदी जी हमारे दुनिया के विश्व के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हैं। ठीक इसी तरह से जो माननीय अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, इनकी जो टीम है वो मिलकर फैसले करती है। तो मुझे लगता है कि ये तो उस समय ही होगा, परंतु चूंकि पहले हो तो गया है, नए चुनाव की घोषणा हुई नहीं है और नई चुनाव की कवायद भी नहीं हो रही है, तो इट इज़ लगभग लगता है कि ये क्लियर है कि वो चल रहे हैं। तो पूनिया जी को जब दिया गया था तब भी उसके काफ़ी बाद इलेक्शन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। सवाल यह कि अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो उसके पीछे की वजह यह है कि परफॉर्म अच्छा किया है, या ये वजह है कि अगर अब बदला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि चार चेहरे खड़े हो जाएं। और एक दौर वो भी देखा है जब 72 दिन तक प्रदेश अध्यक्ष को चुन नहीं पाए थे गुटबाजी की वजह से, और चुनावी साल में इतना वक्त नहीं। ये कारण तो नहीं है, बड़ी बात यह है, आप समझिए कि जितने आंदोलन पूनिया जी के नेतृत्व में हुए हैं, अध्यक्षीय काल में हुए हैं, पहले नहीं हुए थे, तो 11 आंदोलन कुल हुए, उसमें रीड पेपर घोटाले का लेकर महिला उत्पीड़न, युवाओं के बेरोजगार, नौकरी का विषय और किसानों को मुआवजा दिलाने की बात, उनका सब बात हुई है। इसलिए इतने ज़्यादा आंदोलन कभी नहीं हुए। पटवार सर्किल पे धरने से लेके और एक्सियन ऑफिस तक बिजली के बिलों की रेट कम करने के लिए धरने लगे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जन आक्रोश यात्रा में 200 रथ चले हैं और कम से कम 1,00,000 लोग रोजाना सड़क पर सरकार के खिलाफ घूमे हैं। तो ये जो नेटवर्किंग है ये तो ज़बरदस्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन में नीचे तक संगठन का निर्माण हुआ है। तो ऐसी दशा में मुझे लगता है कि डजंट मीन फॉर एनीथिंग हु इज प्रेसिडेंट। महेश शर्मा जी, आपको लग रहा है कि गुटबाजी ज़्यादा ना बढ़े इसलिए एक्सटेंशन होगा, या अब वक्त कम बचा है और कोई नया आया उससे ज़्यादा अच्छा है कि पुराने को ही 2023 तक लेकर जाया जाए, या आपको लग रहा है कि चुनाव में संघ की एक बड़ी भूमिका होती है, हालांकि वो कभी ये नहीं कहते कि हमारी चुनाव में सीधी भूमिका होती है, और इनका रिलेशन उनके साथ अच्छा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि ये जो 2023 जो है वो चुनावी वर्ष है, ऐसी सूरत में अगर कोई ये जो बदलाव वगैरह करने की कोशिश होगी तो एक ये बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है। आप चुनाव के बाद में जो नतीजे आते हैं उसके बाद में नेतृत्व तो किसी को भी सौंपें,
लेकिन जो अभी संगठन को जो लेके चल रहे हैं, मेरी राय है कि उन्हीं को ही बनाए रखा जाए, ताकि जिससे कि जी वे पकड़। लेकिन आपको लग रहा है जिस चेहरे के साथ अभी बीजेपी आगे चल रही है उसके साथ सभी चेहरे पीछे पीछे चल रहे हैं? या बिल्कुल सही, आपको लग रहा है ऐसा? आपको लग रहा है गुलाबचंद कटारिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, गजेंद्र शेखावत जी, अर्जुन राम मेघवाल जी और बाकी कई हैं जो उनके चेहरे के साथ आगे बढ़ने को तैयार है इस इलेक्शन में? देखिए, जहाँ तक है कि पूनिया जी को ये चाहिए कि अगर आपको नेतृत्व देना है या चुनाव अभियान को मतलब गति देनी है और सरकारी में ये जो भी सरकार के खिलाफ मतलब आपको अब और आंदोलन करने हैं, क्योंकि ये समय है, इस समय अपनी टीम को कैसे साथ लेकर के आगे चले जी। हाँ, ये है कि ये नहीं कहना चाहिए एक बार मतलब बीजेपी आई तो एक बार कांग्रेस आई, ये भी नहीं है। यहाँ फार्मूला वापस से रिपीटिशन का भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बीजेपी को एक मुखी होकर काम करना पड़ेगा, अन्यथा गुटबाजियों से तो ये बिखरा होगा। ठीक है स्वर्णिम जी, क्या वाकई में जो यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि सरकार रिपीट करनी है और इसीलिए काम कर रही है कांग्रेस, क्या ये मैसेज बीजेपी तक भी है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब खुद ये कह दें कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है, इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में दिग्विजय सिंह की सरकार वापस आ गई थी, तो कोई विश्लेषण कोई सर्वे तो उन तक भी पहुंचा ही होगा। देखिए विजेंद्र जी, सर्वे की बात तो है ही, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यहाँ पे आज प्रदेश में आप किसी से भी बात कर लें, अगर आप खुलकर के बात करते हैं तो सबको पता है कि यहाँ पे आज सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। किसी नेता के खिलाफ हो सकती है, किसी प्रत्याशी के खिलाफ हो सकती है, लेकिन सरकार के खिलाफ ओवरऑल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और जिस तरह का गुड गवर्नेंस और जिस तरह की जनकल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने दी हैं, उसका लाभ प्राप्त हो रहा है लोगों को। सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ घोषणा नहीं हुई, आज 88 लाख लोग मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड होकर के करीब 30 लाख से अधिक लोग 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर चुके हैं। सबके घरों में बिजली के बिल आ रहे हैं जिसमें सब्सिडी है, आधे उपभोक्ताओं के बिजली के बिल शून्य हो गए। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिनको लेकर के आप ये देखिए कि जब हम अपनी बात करते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तो वो भी आज अपबीट मूड में होकर के हमें बताते हैं कि जनता कांग्रेस के साथ है और इन कामों के कारण उनके साथ है। दूसरी चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ समय पहले इन्होंने हमारी एक यात्रा के पैरेलल अपने जन आक्रोश यात्रा निकालने का प्रयास किया था। मैं बहुत जगह 7 जेलों में मैं उस वक्त सड़कों पर ही था जी। हमारी यात्रा के साथ उस वक्त मैंने देखा था, आपने रथ बना करके भेज दिए, लेकिन आपके नेता नदारद, आपके कार्यकर्ता नदारद, 20 आदमी, 15 आदमी, 10 आदमी उस रथ के साथ घूमते हुए मुझे नजर आए, इससे अधिक कुछ भी नहीं था। बाकी ये तो सब कांग्रेस में भी है, ऐसा थोड़ी ना नहीं है, शिविर होता है, एक मंत्री कहीं और ही होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कहाँ हैं आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उससे ज्यादा जिक्र मुख्यमंत्री तक इस बात का करें कि पेपर लीक को रोकना है, दुष्कर्म के मामले को लेकर वो क्लैरिफिकेशन देते हैं। देखिए करप्शन को लेकर, मैं बिल्कुल आपके इस बात पे आता हूँ, आप करप्शन की बात करते हैं, करप्शन को लेकर के अगर जो अभियान हमने चलाया, ऐसा अभियान क्या पूरे हिंदुस्तान के किसी स्टेट में चला कि IAS से लेकर के IPS ऑफिसर तक पकड़े गए? हमने पकड़ा हर स्तर के ऑफिसर को, भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करने के लिए पकड़ा। ये जनता देख रही है, जहां उनको पकड़ा जाए उनके अगेंस्ट ये कह दिया जाए कि उनका नाम ही सामने नहीं लाएंगे, पहले घोषित है अब अघोषित है, अभी नहीं बता रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, क्या अभियान चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? क्या जिस तरह से ACB कार्रवाई कर रही है, क्या ये पूर्ववर्ती सरकार में भी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? पूर्ववर्ती सरकार में तो अगर आप सवाल उठाएंगे तो एक कानून ही बना दिया था कि आप तो FIR तक दर्ज नहीं करा सकते और आप और हम जो है यहाँ पे टीवी चैनल पे नाम नहीं ले सकते। सर, ऐसा ही लेटर, सुनिए, ऐसा ही लेटर ACB से फिर बिल्कुल भी बिल्कुल ACB से अगर किसी विभाग ने लेटर निकाला तो सरकार ने संज्ञान लेकर के उसको हटाया, क्योंकि सरकार की मंशा साफ है, कोई पद अधिकारी कोई अपने विभाग में लेटर निकालता है तो हम देखते हैं, मॉनिटर करने के लिए है ना, हम काम तो उनको करना है, लेकिन काम हो रहा है यहाँ जनता का। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, ये इनका अंदरूनी मामला, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब इस बात से है कि हमारी सरकार जनता के सरोकार के लिए काम करती रहे, हमारे कार्यकर्ता उसको लगातार पहुंचा रहे, और जितने आंदोलन हमने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ किए उसके चौथाई भी भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ नहीं कर सकी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए पेपर लीक की बात होती है, पेपर करा रहे हैं हम क्योंकि भर्तियां निकाल रहे हैं हम, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाली थी। कौन सी पूरी की है सर, और कितने पेपर लीक हो गए हैं पिछले एक साल में? देखिए एक चीज बताइए, जो भारतीय जनता, सुनिए सुनिए, पहले लीक हो जाता है सर, पेपर होने से पहले लीक भी हुआ तो हमने बताया। इसको लेकर भी अंतर्द्वंद है कि सरगना पकड़े जा रहे हैं, दलाल पकड़े जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी पार्टी में अंतर्द्वंद है सर, कोई दूसरा खड़ा नहीं कर रहा है किसी में अंतर्द्वंद नहीं है, सीधी सी बात है। अदिति नागर भी जुड़ गई हैं, अदिति
एक्सटेंशन, इसमें मुझे टेंशन बड़ा हाईलाइट दिखाई दे रहा है प्रदेश की बीजेपी के अंदर। इसको लेकर कोई चल रहा है कि 23 तारीख को जब नड्डा साहब आएंगे, एक्सटेंशन लेकर आएंगे अपना, तो यहां एक्सटेंशन देकर जाएंगे या फिर कुछ और संदेश देकर जाएंगे? विजेंद्र, आपको रियलिटी बताऊं, आज पूरे दिन मैंने शायद ज्यादातर काम जो किया अदर देन इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ या केसीआर ने क्या किया, अगर काम किया तो मैंने यही किया कि भाई सवाल ये है कि एक तो सचिन पायलट जो लगातार बैठे के ये जो दौरे कर रहे हैं उससे कांग्रेस में अब क्या होने वाला है, और दूसरा ये कि क्या सतीश पूनिया की एक्सटेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो खबर के लिहाज से अगर एक लाइन में बताऊं तो जिस तरीके से कल अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ऑफ रिकॉर्ड जब ब्रीफिंग हुई तो इस तरह के संकेत मिले कि जिन जिन राज्यों में प्रदेश राज्यों में चुनाव है वहां के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे, केवल उसी लाइन से ये बात फैल रही है या ये बात हो रही है कि संभवतः सतीश पूनिया को भी आगे एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि उन्होंने कोरोना के कार्यकाल में उनको इतना समय नहीं मिला काम करने का, और दूसरा कि किसी भी चुनावी राज्य को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये तो है खबर की बात। अब रियलिटी की बात करते हैं। रियलिटी विजेंद्र ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे दिल्ली में नेता हो चाहे आला कमान को छोड़ के जितने भी नेता हैं, वो हाथ पे हाथ रख के यही बात कर रहे हैं कि भाई सतीश पूनिया का फैसला हो या सचिन पायलट या कांग्रेस का कोई फैसला हो, ये किसी से कोई चर्चा ही नहीं करता। ना पत्रकारों से चर्चा, पत्रकारों को सही लाइन देना तो दूसरी की बात है, जो सीनियर नेता हैं चाहे राजस्थान कांग्रेस के हो या राजस्थान बीजेपी के हो, सभी ये वंडर कर रहे हैं कि भाई सतीश पूनिया का एक्सटेंशन हो रहा है नहीं हो रहा, किसी सीनियर नेता से नहीं पूछा गया है। यानी केवल ये दो व्यक्ति या एक व्यक्ति का फैसला है या संघ और नरेंद्र मोदी का फैसला है, किसी से चर्चा नहीं हुई है। तो आयरनी ये है कि जब मीडिया अपने हिसाब से कुछ लिखती है तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो मीडिया के ऊपर सवाल उठते हैं कि ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया, तथ्य ये नहीं है सच ये नहीं है, लेकिन ना कोई वहां पर गाइड करने वाला है दिल्ली में, और आला कमान अपनी मर्जी से सब तय कर रहे हैं। तो जहां तक आपने सवाल किया था कि क्या एक्सटेंशन होगा नहीं होगा, बीजेपी के सबसे सीनियर नेता जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो भगवान को ही पता है, यानी किसी को ये नहीं पता कि कब। यहां तक कि जेपी नड्डा का जब एक्सटेंशन था 17 तारीख को तो सुबह तक भी जेपी नड्डा को इस बात का आभास नहीं था, केवल जेपी नड्डा को यह पता था कि मेरे अगले 6 महीने के कार्यक्रम पार्टी ने कहीं ना कहीं तय किए हैं, सिर्फ उसी बात से कहीं ना कहीं वो दिलासा दे रहे थे कि शायद मेरा एक्सटेंशन होगा। तो जहां तक आपका सवाल है उसका जवाब यह है कि सीनियर से सीनियर नेता चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, जो राजस्थान की टॉप लीडरशिप है कांग्रेस नहीं बीजेपी की, जो टॉप लीडरशिप है वो एक्सटेंशन चाह भी रही है नहीं चाह रही है, उसमें बहुत नाम है। देखिए टॉप लीडरशिप के मन में क्या बात है, वो केवल देखिए जितना खींचतान हमने पिछले 4 साल में कांग्रेस में देखा है अंडर द कारपेट, उससे 2 गुना खींचतान आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई बात अच्छी लगे या ना लगे लेकिन ये सत्य है और ये वो जानते हैं कि उससे ही ज्यादा सतीश पूनिया को लेकर तमाम ऐसी बातें आलाकमान तक पहुंच गई हैं। अब मजेदारी की बात यह है कि आलाकमान हर सीनियर नेता की बात, क्योंकि हर नेता एक ही पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ कई सारे सबूत बातें चिट्ठी पहुंचा रहे हैं आलाकमान तक, तो आलाकमान के पास तो हर सीनियर नेता के लूप होल्स कह सकते हैं या कोई शिकायत कह सकते हैं या कोई भी बातें बयान ये सब पहुंच रहे हैं, लेकिन आलाकमान वही फैसला करेगा जो उसे ठीक लगेगा। तो सतीश पूनिया के खिलाफ हो या वसुंधरा जी के खिलाफ हो या ओम माथुर जी के खिलाफ हो या राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ हो, तमाम लोगों के खिलाफ आपस में एक दूसरे के खिलाफ चीजें पहुंच रही है, लेकिन तय क्या होगा ये आलाकमान के मन में। अदिति आप हमारे साथ बने रहे, महेश शर्मा जी यही सवाल है, क्योंकि अगर मैं एक बार पार्टी के कार्यक्रमों को छोड़ दूं या दिल्ली से अमित शाह आए हों, प्रधानमंत्री मोदी आए हों या फिर जेपी नड्डा आए हों, उन कार्यक्रमों को मैं छोड़ दूं तो मुझे बहुत बड़े ऐसे कार्यक्रम दिखाई नहीं देते कि राजस्थान के बीजेपी के जितने भी टॉप लीडर हैं वो एक जाजम पर एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए। देखिए जहां तक सवाल है कि इनको लाना आना होगा, अगर वापस आकर सत्ता में इनको हासिल करनी है तो निश्चित रूप से एक मंच पे एक जाजम पे आना पड़ेगा, अन्यथा ये जो जितने अपॉर्चुनिटी जो सामने हैं भाजपा के लिए तो वो अपॉर्चुनिटी खो देंगे जी। अब ये है कि अगर मौजूदा स्थिति में जैसा कि ये जो हिंट जो अदिति ने भी दिया कि हाईकमान का ये मानना है कि जहाँ
जहाँ चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले जाएं। तो ये एक काफ़ी मतलब मैं इससे सहमत भी हूँ और नज़र भी आता है, क्योंकि इस समय उलट फ्रेड का मतलब है कि नए संगठन पे किसी भी को भी अगर आप बदलते हैं तो निश्चित रूप से एक कोई ना कोई दूसरा नया गुट तैयार हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को बचने के लिए ज़रूरी है कि नड्डा जी यहाँ आएंगे, वो एकमात्र ये मंत्र देंगे, सबको एक साथ काम कीजिएगा, बाद में नेतृत्व तो किसके हाथ में आएगा क्या नहीं होगा। लेकिन पूनिया जी, सर बीजेपी में अगर एक दो अपवाद को छोड़ दें तो प्रदेश अध्यक्ष अक्सर मुख्यमंत्री बनते नहीं है, बस एक दो ही अपवाद हैं। ना नहीं, ये बिल्कुल है, लेकिन इसमें मतलब आप ये देखिए कि अध्यक्ष को लेकर के जब ये विपक्ष में होती बीजेपी तो अध्यक्ष पद को भी लेकर पहले भी बहुत खींचतान हुई थी। अगर ये खींचतान अगर चुनाव से पहले अगर होती है तो निश्चित रूप से वो ही कांग्रेस और भाजपा वो दोनों आपस में एक दूसरे में जो खींचतान की जो चल रही है तो इसमें हो सकता है कोई तीसरा दल। मनीष पारिक जी, अभी ऐसा लग रहा है बतौर कार्यकर्ता आपको कि अब जो चल रहा है बस उसको चलने दिया जाए, जो है बस बाद में देख लेंगे। नहीं, बात तो है ही ये, जो कुछ चलता रहता है उसको गति देने की जरूरत होती है। अब ये बात महेश जी ने कही है कि जो परिवर्तन होता है तो फिर सब कुछ बदलने की स्थिति रहती है, इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। मुझे ये भी लगता है कि जो आत्मसात हुए हैं संगठन में, हमारे जो संगठन महामंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है और जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, विस्तार हो रहा है संगठन का, पन्ना प्रमुख तक बन गए हैं, अब पन्ना समितियां बनाने की बात हो रही है। सवाल कार्यकर्ताओं का नहीं होता है, कार्यकर्ता तो पार्टी के साथ चल ही रहे होते हैं जी। सवाल होता है बड़े नेताओं का, क्या वो एक साथ चल रहे हैं, अभी तक दिखाई नहीं दिए। इसीलिए आंदोलन की बात मैंने निवेदन की, अभी जैसे बड़े आंदोलन की आप कह रहे हैं, 200 विधानसभाओं में से पौने 200 विधानसभाओं में 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार के आप मुझे एक मंच बता दीजिए, चलिए एक मंच बताइए जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए हों, पार्टी का कार्यक्रम और सारे बड़े नेता एक साथ। नहीं नहीं, मैं बड़े नेता नहीं, सब अपने अपने जोन में काम करते हैं, अपने अपने इलाकों में जाते हैं, जिले वाइज हैं, संभाग वाइज हैं, वहाँ पे तो नेताओं ने अपना अपना काम किया है। लेकिन सारे नेता एक ही मंच पर आ जाएं तो वो रूटीन में ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोगों को और स्थान पे काम करना होगा। जितने शेखावाटी का इलाका है, बड़े बीकानेर में है, चुरू में राजेंद्र राठौड़ जी गए हैं और सब जगह अपने यहाँ गए हैं, वसुंधरा जी अपने झालावाड़ में और वहाँ गए हैं, अपने गुलाब जी हैं उदयपुर रीजन में गए हैं, सतीश पूनिया जी पूरे राजस्थान में गए हैं, इसी तरह से अर्जुन राम मेघवाल जी हैं बीकानेर रीजन में गए हैं, और जो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं वो नाम गिना रहे हैं जी जी, ये सब एक साथ चलने को तैयार है बिल्कुल, और है ही, आप समझ रहे हैं सर, अभी तो नहीं है, तो आप भी मानते हो नहीं है। अभी तो ये भी बयान आते हैं, आपको ध्यान होगा जब बरसात काफी ज्यादा हुई थी, बाढ़ आई थी एक इलाके के अंदर, तो ये बयान आता कि नहीं नहीं वो तो आसमान में उड़ते हैं, हम जमीन के लोग हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आसमान में किसने इस किसने सर्वे किया था और जमीन पर कौन थे। यात्राएं एक ही रूट पर अलग अलग चलती हैं आपके ही दो बड़े नेताओं की। नहीं, मैंने आपको कहा विजेंद्र, वो ज़्यादा लाभ लेने के लिए ज़्यादा विस्तारित होना पड़ेगा। पक्की बात है कि जो रीजन दूसरे लोग वहाँ हैं वहाँ दूसरी जगह लाभ लेंगे। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है और सब कॉर्नर्स पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम रेगुलर होते हैं। आपको क्या लगता है, अगर सतीश पूनिया कंटिन्यू करते हैं तो कांग्रेस को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? बिल्कुल, अब तक का जो चुनावी रिकॉर्ड है उनका उनके कार्यकाल में वही दोहराया जाएगा और फायदा ही होगा कांग्रेस को निश्चित रूप से। जिस तरह से हम उपचुनावों में बार बार हम जीते हैं उससे और बेहतर तरीके से जीतेंगे। एक चीज़ तय है देखिए विजेंद्र जी, कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का सबका ध्येय एक है, हमारे को इस साल जो चुनाव होने उसमें सरकार रिपीट करनी है। हम एक दिशा में चल रहे हैं, ये दिशा हमने निर्धारित की है सब लोगों ने मिलकर के। हाँ, भारतीय जनता पार्टी 13 दिशाओं में चल रही है, अलग अलग जगह पे चल रहे हैं, तो उनका कोई उनको मिलना नहीं है कुछ, कौन उगता सूरज कौन डूबता सूरज इस पर निर्भर करे, ये आपसी इनकी लड़ाई चलती रहेगी, इनका अंदरूनी मामला है। हमारे नेता और कार्यकर्ता एक मत है, एक चीज तय है, हमें दोबारा सरकार भी तो नेता अलग चलते हैं सर, ऐसा थोड़ी ना नहीं चलते, एक मत में भी अलग अलग चलते हैं। चुनाव में हमें जीतना है, रिपीट करनी है सरकार, बस यह जो मत है यह सबका एक है। आप किसी भी नेता का देख लीजिए, जो बयान आएगा यही आएगा, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं वो एक अलग बात है। वही तो सवाल है सर, अब अपने अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं। अदिति, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये 2023 इसलिए नहीं जाना जाएगा कि चुनाव जीतेगा कौन, ये जाना इसलिए जाएगा कि एक पार्टी के अंदर किस हद तक अंतर्द्वंद गई और कौन किससे लड़कर जीता है?
विजेंद्र बिल्कुल ठीक, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, हालांकि जो जो सब्जेक्ट पे आज हम डिबेट कर रहे हैं जी, ये सब्जेक्ट उत्पन्न ही क्यों होता है? दरअसल बात यह है कि दिल्ली के गलियारों में AICC के आसपास अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक बात होती है कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एकजुट हो जाएं तो फिर क्यों किसी भी कीमत पे कांग्रेस को हराया नहीं जा सकता। वहीं बीजेपी को लेकर आज ही ताजा उदाहरण है जब एक बात बहुत सीनियर नेता ने कही कि अगर सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे गुट एक हो जाएं तो कोई ताकत नहीं है जो बीजेपी को हरा सके। बात हम बात करते हैं कि चुनाव जीतना जरूरी है, एकजुट होना है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब सवाल ये उठता है विजेंद्र कि संगठन वो चीज होती है जो सारे सैक्रिफाइस करके, संगठन का जो प्रमुख व्यक्ति है वो होता है जो सारे सैक्रिफाइस करके अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर आता है, उसको खुद को कोई लालसा नहीं होती सत्ता में रहने की। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है कि कुर्सी की लड़ाई है और हर व्यक्ति कुर्सी पे आना चाहता है। अगर संगठन अपना काम करे और बाकी तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी अपने आप को संगठन में जोड़ के काम करें और फिर डिसाइड हो कि कौन कुर्सी लेगा कौन, तो फिर ये मसला ही ना हो। प्रॉब्लम ये है कि संगठन में रहने वाले लोग भी महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि उनको सत्ता में आना है। तो सौ बात की बात एक है कि अगर एकजुटता हो किसी भी पार्टी में, चाहे वो छोटी ही पार्टी क्यों ना हो, तो वो सरकार में आना या जीत हासिल करने में उनको कोई नहीं रोक सकता। तो जो आपने कहा कि ये साल इसलिए ही जाना जाएगा, वो आपकी बात एकदम सही थी। अदिति शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश जी आपका भी शुक्रिया, मनीष जी आपका भी, और स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई में ये जो टेंशन है ये कार्यकर्ताओं की ज्यादा है, और ये भी सच है कि कुर्सी एक ही होती है और उसको पाने वाले दावेदार बहुत ज्यादा है, और यही सियासत है। लेकिन अंत में क्या सब एक साथ मिलकर एक राह पर आगे बढ़ते हुए पहले पार्टी को जिताएं और फिर अपनी कुर्सी की लड़ाई करें, ये होगा, या पहले कुर्सी की लड़ाई होगी और पार्टी की जीत और हार बाद में तय की जाए? एक्सटेंशन इसी पर टिकी है। नमस्कार।